नमस्कार, मैं विनाश और आप देख रहे हैं आंखों देखी। क्या गया शहर में भी देती है कोरोना वायरस ने दस्तक? जी हां, चाइना से वापस आए एक युवक को संदिग्ध अवस्था में मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा माना जा रहा है कि शायद यह कोरोना वायरस से संक्रमित है। वहां जाकर हमारे रिपोर्टर सोनू कुमार अंबुज ने वहां के अधीक्षक डॉक्टर विजय कृष्ण प्रसाद से खास बातचीत की। संदिग्ध हालत में मरीज है, उसको हम लोग नहीं कह सकते कि वास्तव में कोरोना वायरस से संक्रमित है, लेकिन चूंकि चीन से आया है और सर्दी खांसी बुखार जो उसका मेन सिम्टम है वो सब है, इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिए हैं। और उसके खून और जो स्वाब ये सब जांच के लिए होता है, थ्रोट स्वाब है ना, नेजोफेरिंगस, तो ये सब जांच के लिए हम लोग जो हमारा डेडिकेटेड जो जगह है RMRI में, हम लोग उसको कल ही भेज दिए। तो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद हम लोग फिर जैसा हुआ करें, अगर निगेटिव आएगा तो फिर एक बार दूसरा जांच करवाया जाएगा, अगर वो भी निगेटिव आता है तो मरीज को भेज दिया जाते हैं, लेकिन उसका हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि कौन कहाँ पर। सर, उसका मरीज का भर्ती हुआ है सर? मरीज कल कल भर्ती। सर, मरीज का कुछ नाम होगा सर? मरीज का नाम टार्जन सर, गया जिला का ही है सर। गया जिला, ओके सर। अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुशांत कुमार हुआ, मैं बोधिया का रहने वाला हूँ। जो कोरोना वायरस से जो लड़का भर्ती हुआ, वो आपको रिलेशन में क्या लगता है? भाई लगता है। भाई लगता है। नाम क्या है उसका? टार्जन कुमार। कब भर्ती हुआ? ये कल भर्ती हुआ। कल भर्ती। कुछ सुधार है? हाँ, इसको तभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ तो फिर कैसे सुधार, मतलब अभी तो ये ठीक ही है, बट ये चाइना से आया है ना। अच्छा। तो इसी कारण से इसको यहाँ पर रखा गया कि ये चाइना से आया, शायद इसमें है या नहीं है, तो कंफर्म अभी नहीं हुआ। मेडिकल ब्लड जांच करने के लिए भेज दिया गया है पूना, कोलकाता, वहाँ से आएगा तो कंफर्म क्या है नहीं है वही बताएंगे। अभी तो कोई अति नहीं है, अभी कुछ अति नहीं। कब भर्ती हुआ? कल भर्ती हुआ। चाइना में रहता था। हाँ, चाइना में रहता था।